नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के प्रतिष्ठित सिबली पीजी कॉलेज के एक प्रोफेसर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया। इतना ही नहीं, तमंचा लहराते हुए जानमाल की धमकी भी दिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इस प्रकरण को धार्मिक आधार पर वायरल कर माहौल को भी खराब करने का प्रयास किया, जिसे संज्ञान में लेकर प्राचार्य ने शुक्रवार को शहर कोतवाली में दो नामजद सहित 4 से 5 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस की दी तहरीर में प्राचार्य डॉक्टर अफसर अली ने बताया कि कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग में आशुतोष माहेश्वरी बतौर सहायक प्रोफेसर तैनात है। 24 अप्रैल को समाजशास्त्र विभाग में फेयरवेल पार्टी थी। पार्टी में सहायक प्रोफेसर आशुतोष माहेश्वरी जब पार्टी से बाहर निकले तो उनके द्वारा कॉलेज की लड़कियां और लड़के भी निकले। आशुतोष माहेश्वरी आगे आगे चल रहे थे और लड़कियां उनके पीछे पीछे चल रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने इसकी फोटो और वीडियो बना ली। इस वीडियो में सोशल मीडिया में वायरल कर दिया और उसके साथ लिखा कि कॉलेज का गैंग बनने और भगवा लव ट्रैप होने से बचाएं। इस कैप्शन के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, जिसका परिणाम हुआ कि अगले ही दिन डुगडुगवा निवासी सिमनाम व बाज बहादुर निवासी ओसामा समेत 4-5 अज्ञात लोगों ने आशुतोष माहेश्वरी के साथ मारपीट किया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नुमान अहमद व वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर मोहसम अब्बार द्वारा बीच बचाव को पहुंचे उन लोगों ने विभाग के कुछ सरकारी दस्तावेजों को नष्ट कर दिया और कुछ जरूरी कागजात लेकर चले गए। इस दौरान तमंचा लहराते हुए देख लेने व जान मारने से धमकी दी भी दी गई। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर उक्त लोगों द्वारा धार्मिक आधार पर फोटो वीडियो आदि वायरल का माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रचार की तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर एक आरोपी ओसामा को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश में जुटी है। शिवली कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का कुछ लोगों द्वारा फोटो और वीडियो डाला गया है, जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा सहायक प्रोफेसर के साथ मारपीट भी की गई। तहरीर मिलने पर दो नामजद और 4-5 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामजद दो आरोपियों में से एक ओसामा को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य की तलाश की जा रही है। साथ ही वीडियो और उसके कंटेंट की जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो प्रकरण था हमारे यहाँ समाजशास्त्र विभाग का था। समाजशास्त्र विभाग में 24 को अप्रैल को बच्चों की एक पार्टी, फेयरवेल पार्टी होती है, वो पार्टी थी। तो उसमें बच्चों ने अपना एक वीडियो भी बनाया था। तो उस वीडियो को कुछ लोग जो है यहाँ के पूर्व छात्र और जो छात्र नहीं भी हैं उसमें दो, उन्होंने कुछ अपने खड़ियन के तहत वीडियो को वायरल किया, जबकि वो वीडियो कहीं से उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो वीडियो एक शिक्षक का और छात्र का वीडियो है, सब लोग एक जगह जा रहे हैं ग्रुपिंग कराने के लिए और रास्ते का वीडियो है। तो उस वीडियो को मेरी समझ में नहीं आया कि किस लिए उसको इतना प्रचारित किया गया, और करने के बाद जो है उसी खंडन के तहत फिर जो है उसमें 26 तारीख को समाजशास्त्र विभाग में 4 छात्र जो है, 4 लड़के छात्र ने वो आए और उन्होंने बहस किया। पहले जो है जो वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आशुतोष से, और फिर उनके बाद उनसे हाथापाई और मारपीट की। तो और जाते जाते फिर उन्होंने जो कुछ प्रपत्र वगैरह ले लिए वहाँ से लेके चले गए और धमकी उनकी दिया। तो इसी आशय से हमने फिर फौरन उस पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली को सूचित किया। कोतवाली से फिर जो है उन्होंने जो ब्रह्मस्थान के जो दरोगा जी हैं उनको यहाँ पे भेजा और पूरे प्रकरण को समझने के बाद उन्होंने FIR उसमें दर्ज कराई और विवेचना चल रही है उसकी। सर मुख्य आरोपी कौन है, कहाँ करेगा? मुख्य आरोपी हाँ, उसमें जो एक लड़का ओसामा है, तो जब उसमें मारपीट ये सब करने को उतारे थे तो विभाग के लोग उसमें आए और पकड़ो दौड़ाने लगे, तो उसमें और सब तो भाग गए लेकिन ये ओसामा था, इसको दौड़ा के पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो इसको फिर हम लोगों ने पुलिस को जो हैंडओवर कर दिया था।
और उसमें जो मुख्य आरोपी है यहीं का एक पूर्व छात्र है, शिवनाम नाम है, हाँ डुगडुगवा का है, यही जो उसका जो साजिश करता है। और मुझे लगता है कि जो वीडियो जो बना करके डालने में इधर उधर जो वायरल वगैरह करने में, इसके साथ कुछ लोग और हैं जो अमन चैन को बिगाड़ना चाह रहे थे, तो उस पर प्रॉपर उसमें FIR हो गई, हमारे पास कापी आ गई है और समुचित कार्रवाई होगी, कोतवाल साहब ने कहा हमसे। नेशनल कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वहाँ के प्रोफेसर ने कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें कुछ लड़के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को मारते पीटते दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? शिवली नेशनल कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन के दौरान टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कोई किसी वीडियो डालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मारपीट की शिकायत पुलिस के पास प्राप्त हुई। इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 248/24 धारा अंतर्गत 323, 504, 506, 353 व 427 IPC का कायम किया गया। इसमें दो लड़के नामजद किए गए हैं, शिवनान व उसामा। उसामा की गिरफ्तारी कर ली गई है और शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर पुलिस के द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो डालने वाले को भी पहचान की जा रही है, इस तरीके की चीज़ों को जो फैलाता है? हाँ, पुलिस के द्वारा उसको भी चिन्हित किया जाएगा जिसके द्वारा जो वीडियो डाला गया और क्या उसके कंटेंट से, उसकी भी जांच की जाएगी। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज? इसमें 4-5 लोग अज्ञात हैं इस मुकदमे में। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।